देखिए इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है, यहाँ पे फिनिशिंग करी जाती है। पूरी फिनिशिंग करेंगे तो अपने हिसाब से ये कैसा बना देगा। अच्छा, कौन कौन सी क्वालिटी के बेसिकली आप बैट बनाते हुए यहाँ पे? अलग अलग क्वालिटी के होते हैं मेरे भाई, जैसे कि टेनिस बॉल के अलग होते हैं, लेदर बॉल के अलग होते हैं, बच्चों के अलग होते हैं, तो हैंडल यहाँ पे बन जाती है। अच्छा, ये हैंडल बनता है, ये इसका स्वागत है दोस्तों आपका मेरी एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में आपको डायरेक्ट यहाँ पे दे रहा हूँ एक बहुत बड़ी क्रिकेट बैट की फैक्ट्री से, और ये वीडियो आप सोच रहे हो कि कहाँ से है, ये वीडियो डायरेक्ट आपके लिए लाया हूँ डायरेक्ट कश्मीर के अंदर से। और आज यहाँ पर जितने भी बैट आपको दिखाने वाला हूँ बहुत अच्छी क्वालिटी के दिखाऊंगा। यहाँ पर अगर आपको लेदर बैट चाहिए वो मिल जाएंगे, उसके अलावा कोस्को के खेलने के लिए बैट चाहिए वो मिल जाएंगे, बच्चों के लिए भी बैट मिल जाएगी, जितने भी बैट की वैरायटी होती है सारी आपको मिल जाएगी। तो आज की वीडियो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ बाबा ऋषि स्पोर्ट्स में, और बहुत सारी खुद की अपनी मैन्युफैक्चरिंग आप देख सकते हो, ये बहुत ही हैवी बैट होते हैं, जैसा कि देखो सारी इन हाउस इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, और ये कश्मीर विल्लो के अंदर है, वर्ल्ड फेमस है, अपना नाम भी काफ़ी सुना ही होगा। बाकी चलते हैं यहाँ के ओनर से बातचीत करते हैं किस किस तरीके से वैरायटी होती है, कैसे कोई यहाँ से मिनिमम मंगवा सकता है, वो सारी बातें करेंगे वीडियो के अंदर। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई ये अपना कौन सा एरिया होता है, यहाँ पे क्या होता है बेसिकली? ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है भाई यहाँ से। तो अच्छा, यहाँ से हम अपने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर लेते हैं, जैसे कि हमारे पास ऐसे ये फट्टे आते हैं, फट्टे आ जाते हैं। अच्छा, इस पूरे फट्टे आ जाते हैं तो फट्टे उठा के यहाँ पे आप इसकी शेप दे देते हैं, सबसे पहले इसको शेप दे देते हैं, शेप देते हैं यहाँ पे। ये सबसे पहले कटिंग होती है यहाँ पे, तो कटिंग ये वाली कटिंग आगे हो जाती है, पहले हम इसको ये वाली शेप दे देते हैं, प्लेन शेप दे देते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। जैसे कि हमारे पास प्लेन फट्टा ये है, अच्छा इसको ये वाली शेप हमने दे दी, ठीक है, थोड़ा बहुत अपने हिसाब से और कटिंग वगैरह सब कर दी, मतलब इसके ऊपर होगी जो भी ये हो गई, जो भी कटिंग होगी वो यहाँ पे दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जाता है, यहाँ पे जाएगा माली, ये सारा एरिया हो जाता है यहाँ पे आ जाता है। ओके, यहाँ पे इसके ऊपर की मतलब डंडी बनती है, स्टिक क्या बन जाते हैं यहाँ पे आपको जो अच्छा इसकी हैंडल होती है, हैंडल तो हैंडल यहाँ पे बन जाती है। अच्छा, ये हैंडल बनता है, ये इसका ये वाला पॉइंट यहाँ पे हैंडल फिक्स करने का होता है, ये फिक्स करने का होता है। फिक्सिंग वगैरह कहाँ पे होती है? फिक्सिंग वगैरह फिर उसके बाद आगे हो जाती है। अच्छा, वो आगे होती है यहाँ पे, तो मतलब टोटली आप बैट ही बनाते हो बेसिकली? टोटली हमारे पास बैट ही होता है। अच्छा, बैट ही होता है, पूरे सिर्फ बैट ही का होता है हमारे पास। आप देख सकते हो जो हमारे यहाँ पे लगा हुआ है, हमने जो काट के रखा हुआ है पूरा। अच्छा, कटिंग हो चुकी है, मतलब सब हो चुकी है। अच्छा, लेट हो गया आने में काफी, देखो कट हो गया, मतलब हमने करके रखा हुआ है पहले से ही। अच्छा अच्छा अच्छा, सारी कटिंग यहाँ पे होती है, उसके बाद बैट पूरा मतलब कहाँ पे तैयार होगा? अभी बस उसके बाद ये वाली प्रोसेस चलती है, और उसके बाद जो है बहुत वहाँ पे सिर्फ प्लेन था वहाँ पे, उसके बाद ये वाली प्रोसेस आती है। अच्छा, ये वाली शेप दे देते हो बैट को, पूरी फिनिशिंग दी जाती है ऊपर, फिनिशिंग और ये वाला नीचे का हिस्सा। अच्छा अच्छा, वो इस मशीन पे होता है, वो इस मशीन पे हो जाता है। अच्छा अच्छा, इसमें पूरी फिनिशिंग, इसको बराबर यहाँ से भी और यहाँ से भी। अच्छा, कोई किसी भी तरीके का बैट अगर बनाने को कहता तो वो बना के यहाँ से मिल जाएगा? वो मिल जाएगा आपको। ये देखिए अलग अलग बहुत सारी मशीनें यहाँ पे लगी हुई है, वैसे ऐसे भी इधर की साइड क्या हो रहा भैया? यहाँ पे अपने भाई काम कर रहे हैं इस टाइम, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब काम कम है इसीलिए हमने एक मतलब अभी एक दो बंदे काम कर रहे हैं, जैसे अभी जब काम होता है सीजन होता है हमारा, तो उस टाइम हमारे अलग अलग बंदे बैठे होते हैं यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे पूरा बैट यहाँ पे तैयार हो जाएगा बनके। ये देखिए इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है, यहाँ पे फिनिशिंग करी जाती है, पूरी फिनिशिंग करेंगे तो अपने हिसाब से ये कैसा बना देगा। अच्छा, कौन कौन सी क्वालिटी के बेसिकली आप बैट बनाते हुए यहाँ पे? अलग अलग क्वालिटी के होते हैं मेरे भाई, जैसे कि टेनिस बॉल के अलग होते हैं, लेदर बॉल के अलग होते हैं, बच्चों के अलग होते हैं, हर किस्म के बैट आपको यहाँ पे। और स्टार्टिंग कितने रुपए से देते हो? स्टार्टिंग हमारी यहाँ पे मतलब 50 रुपए से हमारी स्टार्टिंग है पूरा, तो आगे जितना आप लेना चाहो उतना हमारे पास बेस्ट मिलेगा, सिर्फ होलसेल में जितना भी माल मिलेगा यहाँ पे पूरा होलसेल में। किसी को अगर रीसेलर को सेल करने के लिए तो वहाँ से ले सकता है, बहुत सारी क्वालिटी के अंदर बैट बनाते हैं। बाकी इनके आपको मैं सैंपल एरिया में लेके चलता हूँ, वहाँ दिखाता हूँ किस तरीके से पूरे बैट इनके यहाँ पे बनते हैं। सर आप एक चीज़ क्लियर कर दो यहाँ पे, ये आपके मतलब जितने भी यहाँ पे सारा सैंपल एरिया है, तो मिनिमम सर अपने यहाँ से क्वांटिटी कितनी कोई ले सकता है सर? अभी हम मिनिमम आपको सिर्फ 100 पीस देते हैं, मिनिमम 100 पीस यहाँ पे लेने पड़ेंगे। अगर कोई आप आपको सिंगल पीस ले तो उसके लिए हम डील नहीं करते, फैक्ट्री पे आ जाओ। कोई मतलब घर बैठे यहाँ से मंगवा सकता है सर, मंगवाना चाहे? लेकिन 100 पीस से ऊपर सर, 100 पीस से ऊपर होंगे यहाँ पे। तो ये सारी वैरायटी है जो आपको, जो भी आप लेना चाहो मिक्स में मिलेगा आपको, चाहे लेदर का, टेनिस का, बच्चों का, मिक्स करके ले सकते। ओके ओके ओके, मतलब सेट वाइज लेने की जरूरत नहीं है, आप मिक्स करके 100 पीस है जो यहाँ से ले सकते हो, जो कि सबसे अच्छी बात यहाँ पे हो जाती है। बाकी घर बैठे किसी भी कोने में यहाँ पे मंगवा सकते, ट्रांसपोर्ट वगैरह ऑल इंडिया किसी भी कोने में कर दोगे, किसी भी कोने पे यहाँ से हो जाएगा यहाँ पे। तो वैरायटी तो बहुत सारी दिख रही है, सारी दिखा पाएंगे सर इस वीडियो में? सारी दिखा देंगे। ये जो भाई हमें सैंपल्स यहाँ पे दिखाएंगे, तो सर कितने रुपए से मतलब दिखाना स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे सैंपल्स? 50 रुपए से स्टार्ट होता है। अच्छा, 50 रुपए से स्टार्ट हो जाता है, ओनली फॉर बिजनेस के लिए, जिसको अगर खरीदना है तो वो खरीद सकता है, सिर्फ ये बच्चों के लिए हो जाएंगे।
अच्छा ये बच्चों के लिए बैट्स रहते हैं अपने पास कॉस्को के लिए, मतलब लेदर हर तरीके के बैट यहाँ पे मिल जाते हैं हर तरीके से, ये जो है कॉस्को में खेल। अच्छा अच्छा टेनिस बॉल वगैरह से खेल सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए आप ये पे इस तरीके की सीटी गारंटी है, इधर लग जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी पूरा तैयार करेंगे अंदर, फिर इधर सीटी गार लग जाएगा। अच्छा ये कितने का दे दोगे भैया? होलसेल में 300 रुपये। 300 रुपये का? अगर भैया जैसे कोई स्टिकर वगैरह नहीं लगवाना चाहता, ये चीजें नहीं लगवाना चाहता, रॉ में भी बैठ दे देते हो भैया वैसे? उसका प्राइस अलग रहेगा थोड़ा सा? वैसे भी मिलेगा जैसे नहीं, थोड़ा सा प्राइस डाउन हो जाता है ना, स्टिकर वगैरह की कॉस्ट बच जाती है। अच्छा ये रॉ बैट हो जाते हैं, इसको बस ये लगा के दे देते हैं ऊपर। ये कितने इसके ऊपर? मान लो भैया ये सेम क्वालिटी है, ये भी सेम क्वालिटी है, हमने मान लिया मतलब एज्यूम कर लिया, तो अगर यही बैट अगर कोई इस कंडीशन में लेता तो कितने का पड़ जाएगा? ये पड़ेगा इसी रेट में, सेम रेट ही पड़ेगा, चाहे पूरा इस पर चिट वगैरह लगवा के लो। 10-20 रुपये कम हो जाएगा, 10-20 रुपये कम हो जाएगा, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, 10-20 रुपये का मतलब कम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है यहाँ पे देख सकते हैं आप पूरे बैट इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग में सब। हाँ, ये क्या ये 150 रुपये की रेंज में हो जाएगा, और सारा ये कश्मीरी विलो ही होता है ना टोटल, दूसरे भी होते हैं इसके अंदर, बाकी क्वालिटी डिपेंड करेगी किस हिसाब से रेट होगा, क्वालिटी के हिसाब से यहाँ पर रेट होते हैं। यहाँ पे और दिखा देते हैं आपको, बहुत सारे बैट यहाँ पे मिलने वाले हैं, जैसा कि देख रहे हो आप, जिस हिसाब से स्टिकर वगैरह यहाँ पे लगवाना चाहते हो वो भी ये लगा के दे देते हो ना भैया? बस मतलब जितना भी मिलेगा होलसेल में मिलेगा भैया। एक पीस में कितने कितने सेट होते हैं कुछ बता सकते हो भैया? 200 में होता है, 10 में होता है, अलग अलग होते हैं, मतलब बाकी जो रेट जो बता रहे हो या आप कम क्वान्टिटी का बता रहे हो ज़्यादा क्वान्टिटी का बता रहे हो? एक ही रेट रहता है भैया? हाँ हाँ, ये जो ये वाला है इसका अलग रेट है। इसका क्या प्राइस है? ये लेदर वाला है। अच्छा ये लेदर के लिए खेलने के लिए यहाँ पे पड़ेगा 800 रुपये में बेचता है। अच्छा ये इससे कोई लेदर में खेल सकता है, मतलब 800 रुपये में मतलब यहाँ पे बिक रहा है। ठीक है, और ये कोई रिटेल में कितने का बेचता होगा भैया यहाँ से ले जाके? तो 1500 में आराम से बिक जाएगा, मतलब ये ठीक है भैया? बहुत सारे 800 में आगे दुकान में मिलता है। और क्रिकेट बैट की तो काफ़ी डिमांड ही रहती है, जैसा कि पता है आपको इंडिया में काफ़ी डिमांड रहती है, आप यहाँ से आके ले सकते हो बहुत सस्ते में, आपको बैट मिल जाएंगे, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो इनसे यहाँ पर जोड़ के भी। और वैरायटी कौन कौन सी मिल जाएगी अपने पास बैट की? 600 वाला बता रहे थे ना भैया, 600 वाला कौन सा है? 600 वाला भी दिखा दो ना, 600 वाला भी मिल जाएगा। अच्छा दूसरे वाले में रखा हुआ है। अच्छा कितने सैंपल रूम है भैया अपने? अच्छा ये भी अपना सैंपल रूम है एक और? ओके ओके ओके, ये भी लेदर वाले हैं। ये क्या रेंज वाला भैया? ये 500 वाला हो जाएगा, ये देखिए आप यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए हो जाएगा 500 वाला। 8 से 10 साल? अच्छा अच्छा 8 से 10 साल के बच्चों के लिए होगा, 500 रुपये के अंदर आपको ये मिल जाएगा। ये अलग अलग रेंज के काफ़ी सारे बैट लगे हैं। अच्छा जो टेनिस वाले भी है, टेनिस वाले में रेंज कितने से लगे कितने तक जाती है? दो किस्म है, ये अलग है, ये टेनिस वाला है। हाँ, कितने वाला है? 250 रुपये होलसेल में। बाकी अगर ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी अगर आप लोगे तो मतलब थोड़ा बहुत रेट हो जाएगा, जो भी होगा बैठ के कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये आपको थोड़े थोड़ी क्वांटिटी का रेट बता रहे हैं यहाँ पे। और जो भी है ऐसे ये बैट लगे सारे, कौन से भी टेनिस का? ये भी? हाँ, ये भी टेनिस का। क्या प्राइस है भैया इसका? इसका भी यही है सेम? हाँ, सेम रेट होगा यहाँ पे। और इधर जो यहाँ पे लगे हुए यहाँ पे, इनके बारे में बताइए भैया, जो लगे हुए यहाँ पे डेढ़ सौ वाले। अच्छा ये फुल साइज वाले बैट होंगे ये आपको 300 रुपये में मिल जाएंगे यहाँ पे। ये कश्मीर विलो के अंदर है? ये कश्मीर विलो के अंदर होंगे टेनिस बैट्स है। अच्छा बड़ों के लेदर बैट भी आपको दिखा देता हूँ मैं, किस तरीके के होते हैं यहाँ पे फुल साइज के बैट होते हैं वो इस वाले ऑफिस में यहाँ पे रखे हुए हैं। ये देखो यहाँ भी काफी सारे बैट यहाँ पे रखे हुए हैं। ये शायद आपने दिखा दिया था, वही है ना? ये सब लेदर वाला है, जितना भी आप ये कलेक्शन देख रहे हो उसमें अलग अलग साइज के हिसाब से रेट रखे हुए हैं क्या? हाँ, इसमें अलग अलग। इसमें कितने रुपए से स्टार्टिंग होती है, लास्ट एंडिंग कितने तक जाएगी भी अपनी? दो किस्म आता है, एक सिंगल आता है, एक डबल आता है। अच्छा डबल होता है वो पड़ता है। ये जो ये वाला रखा हुआ यहाँ पे, ये तो रॉ है, ये रेडी है, मतलब स्टिकर वगैरह इस पर लगना बाकी है। हाँ, ये कितने रुपए का पड़ जाएगा भैया अपने पास? अगर ये डबल वाला बेटी। अच्छा ये सिंगल है। अच्छा ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये वाला सिंगल है। ये सिंगल वाला कितने का है? ये पड़ेगा 1200 रुपये में, ये 1800 रुपये का पड़ेगा। तो भैया एक चीज़ मुझे यहाँ पे बताओ, जो लेदर बैट्स होते हैं ठीक है, उसमें कितने रुपए से स्टार्टिंग हो जाती है और लास्ट कितने तक अपनी रेंज आती है? 600 से स्टार्टिंग। बस 600 रुपए से स्टार्टिंग हो जाती है और लास्ट एंड कितने? 1800-2000 तक, मतलब लास्ट रेंज जो यहाँ पे जाने वाली है। तो ये जितने भी आप बैट यहाँ पे क्रिकेट बैट देख रहे हो ये सारे इनकी अपनी फैक्ट्री के यहाँ पे बने हुए, ये सैंपल्स, ये सारे सैंपल्स यहाँ पे रखे हुए हैं। किसी को भी अगर मतलब यहाँ से कोई भी बैट अगर खरीदना है तो स्क्रीन पे मैंने नंबर दे रखा है, आप कॉल कर सकते हो।